दोनों तरीके थे जिसमें से आरएमएस सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात कर दी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, उसको देख लो, 3, 5, 6 सीवी का फॉर्मूला। नहीं सुनो, थोड़ा बेटा आप इधर करो ना, इसको स्टैंड को बीच में रखो। सीवी का फॉर्मूला देख लो, 3, 5, 6, 3R/2, 5R/2, 6R/2। अगर सीवी मिल जाएगा तो सीपी कैसे निकलेगा? सीवी में आर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? सीपी। और सीपी को सीवी से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? गामा। रिवाइज कर लो, गामा। तो गामा किस गैस का ज्यादा है? मोनो एटॉमिक का जो गामा है वो क्या था? ज्यादा था। उसमें मैंने बोला था गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी। जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है गामा की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था रिलेशन बिटवीन सीवी एंड गामा, उसको देखो कैसे बनाया था। तो सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन और सीपी इज इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। उसके बाद मिक्सचर की बात हुई थी, मिक्सचर का देख लो फटाफट, प्रॉपर सीधा है ये? फॉर्मूला दोनों गैस का N1CV1 + N2CV2, ऐसे सीपी मिक्सचर के लिए CP1 आ जाएगा, N1CV1 N2CV2, और गामा मिक्सचर के उधर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट फटाफट लिखना, मिक्सचर में जो अलग कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, फटाफट लिखिएगा सभी लोग, इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। क्या लिखा? हाँ, इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। चलिए तो सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखना, कोई भी गैस की इंटरनल एनर्जी कैसे लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, देखो कोई भी गैस की जो एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी, उसका सिंबल है यू। इसका फॉर्मूला सब लोग लिखना, फॉर्मूला होता है NCV∆T, इसको लिख देना, और यहां पर लिख देना फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए, फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए गैस की इंटरनल एनर्जी होती है NCV∆T, जहां पर आप जानते हो N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। CV का फॉर्मूला रिवाइज कर लो, CV का जनरल फॉर्मूला, CV का क्या है? क्या लगा जी भाई? 3, 5, 6, 3R/2, 5R/2, 7R/2। ∆T लिख लेना, ∆T को लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो कोई सी भी प्रोसेस हो, कुछ भी हो, किसी भी गैस की अगर इंटरनल एनर्जी लिखना है तो वो हमेशा NCV∆T होती है। अब देखो बच्चों, ये तो एक गैस के लिए, हो सकता है हमारे पास एक से ज्यादा गैस हो, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस भी पॉसिबल है। तो सेकंड पॉइंट में लिखना, इफ वी हैव मोर देन वन गैस, इफ वी हैव then the internal energy of mixture
इफ वी हैव मोर देन वन गैस देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर इज गिवन बाय U1 प्लस U2 प्लस U3 ऐसे जितनी भी गैस है। तो अगर दो गैस है, देखो जैसे जैसे एयर ही मान लो, आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी में एयर किसका मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, कंटेंट कौन कौन सा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब है। तो देखो अगर एक गैस की इंटरनल एनर्जी लिखनी तो इससे लिखो, बट हो सकता है क्वेश्चन में वो आपको दो गैस तीन गैस, तो अगर आपके पास मिक्सचर है तो सिंपल सी बात है कि इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट जोड़ दो। तो जैसे तीन गैस है तो U1 प्लस U2 प्लस U3, तो U1 किसकी इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट वाली गैस की, तो वो क्या लिखा है N1 CV1 T1, N1 क्या है पहली वाली गैस के नंबर ऑफ मोल्स, पहली वाली गैस का CV और पहली वाली गैस का टेम्परेचर, ऐसे जितनी भी हो सबको डायरेक्ट जोड़ दो, लिख लो N3 CV3 T3 और वहां पर लिख देना इंटरनल एनर्जी एडिटिव क्वांटिटी है। एडिटिव क्वांटिटी होने का मतलब जितनी भी गैस बच्चों आपके पास रहेगी सभी की इंटरनल एनर्जी को आप लोग डायरेक्ट ऐड कर दो। अब मैं सारे पॉइंट एक संग लिखा रहा हूँ, मिक्सचर वाले देखो एक संग सारे, सीवी मिक्सचर, सीपी मिक्सचर, गामा मिक्सचर और चौथा बच्चों मिक्सचर के लिए इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। क्या हाँ ये भी है, ये बात भी सही पूछी आपने, देखो ये जो है ना, हाँ ये भी सही है, देखो ये दो फॉर्मूले हैं, ये सही बात पूछी इसने, जैसे इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये दो बार, हाँ जैसे किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी लिखना है, जैसे बच्चों मैंने बोला मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पर इंटरनल एनर्जी लिखो, मतलब 30 पे लिख रहे हो तो फिर इंटरनल एनर्जी होगी NCVT, और मैंने बोला 30 से 50 में कितना इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, चेंज हो गया ना, तो इसको डेल्टा यू को क्या बढ़ाओगे, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लिख लेना, जब चेंज लिखते हैं तो डेल्टा टी आता है, बट जब किसी पॉइंट पे लिखते हैं तो NCVT आता है, इसको लिख लो। इसको लिख लो सभी लोग, ठीक है बाकी क्वेश्चन चालू करते हैं, लिखो लिखो सबसे पहले मिक्सचर पे एक क्वेश्चन लिख लो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग मिक्सचर पे लिख लें, बाकी कोई एक दो पॉइंट आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मिक्सचर पे लिख लो 2 ग्राम ऑफ हीलियम, 2 ग्राम ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस, 2 ग्राम ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस, 2 ग्राम ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एट पहला वाला क्या लिखा 27, हाँ दूसरा एट 127 डिग्री सेल्सियस, ये अच्छा क्वेश्चन है, एट 127 डिग्री सेल्सियस फुल स्टॉप फाइंड। अब फाइंड इसमें मैं सारे मिक्सचर वाले पार्ट एक संग लिख लेता, ठीक है लिखो, सबसे पहले फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, दूसरा लिखना फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये सेकेंड पार्ट है।
तीसरा लिख लो फाइंड द एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर, फाइंड द एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर, फाइंड द एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर। और चौथा लिखना एंड ऑल्सो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, एंड ऑल्सो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, एंड ऑल्सो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ठीक है चलिए अब देखो बड़ा इसी से मुझे लगता है हमारे सारे मिक्सर वाले क्वेश्चन एक संग हो जाएंगे। सबसे पहले एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, देखो आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है सबसे पहले आप लोग देखिए कौन सी दो गैस है, कौन सी मतलब क्या मोनो एटॉमिक है डायटॉमिक है और उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने, उसको फटाफट देखिए एक बार। फिर कंटेनर का फोटो बनाइए, सब लोग देखिए सबसे पहले गैस कौन सी है, एरिया में कितने मोल्स है, अब मोल्स आपको निकालना पड़ेंगे, मोल्स नहीं दिए क्या दिया ग्राम दिया है, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास कितना है 4, बट हीलियम का जो मास दिया वो कितना दिया है 2 ग्राम, तो मोल्स कैसे निकालते हैं जानते हैं सभी लोग, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बराबर गिवन मास कितना है 2 और एटॉमिक मास कितना है 4, मतलब हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आधे। कौन सी गैस है हीलियम, मोनो एटॉमिक, याद कर लो तो सीवी कितना होगा, वो आपका काम है उसको बार बार रिवाइज करो, सीवी कितना होगा 3R/2, सीपी रटना कभी नहीं बनाओ, सीवी 3R/2 है तो सीपी के लिए आर और जोड़ दो तो सीपी कितना हो जाएगा 5R/2, तो गामा कितना हो जाएगा, वही तो बनना चाहिए इंस्टेंट, सीपी बन गया 5R/2, सीवी बन गया 3R/2, तो सीपी को सीवी से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 5/2 चलेगा। ठीक है चलो दूसरी गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कितना मास है नाइट्रोजन का 56 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे 2 हो जाएंगे। देखो सर सभी एक बार कंटेनर को देखो, एक बार बच्चों देखो, तो कंटेनर देखो ये हमारी पीली कलर की गैस मान लो नाइट्रोजन है, कितना टेम्परेचर नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर है 127 और हीलियम का कितना है, देखो तो ये हरी वाली गैस मान लो क्या है हीलियम है और हीलियम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। देखो उसको अभी के अभी दिमाग में बिठा दो कि जैसे आप देखोगे कि आपके पास दो गैसेस का मिक्सचर है, एक मिनट ऊपर देखो फिर बाद में लिखना, एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, जैसे आप देखोगे आपके पास दो गैसेस का मिक्सचर है तो मेरा सजेशन है कि वो मिक्सचर वाले सारे कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, सारे मतलब सीवी सीपी गामा टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक संग याद कर लो। तो हमने बोला हमारे पास मिक्सचर है हीलियम गैस का और हमारे पास मिक्सचर है नाइट्रोजन गैस का, जो कि दोनों की दोनों के हमारे डिफरेंट टेम्परेचर पे है, तो सबसे पहला पार्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, जैसा कि मैंने क्या बोला सबसे पहले तो यही याद रखना चाहिए कि जो भी इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर होती है वो एडिटिव क्वांटिटी, तो जितनी भी गैसेस होगी सभी की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर दो, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मूला क्या इंटरनल एनर्जी का डेल्टा टी होता है, अगर किसी पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी लिखनी है तो NCVT। अब बच्चों को एक और हीलियम की इंटरनल एनर्जी कैसे लिखे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, सीवी किसका हीलियम और टेम्परेचर भी किसका लोगे हीलियम का, क्या बोलते हो ऐसे नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं नाइट्रोजन के, सीवी भी किसका आएगा नाइट्रोजन और टेम्परेचर भी किसका आएगा, ये सब हम निकाल चुके हैं देख लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आपके पास कितने हैं 1/2, सीवी कितना होगा हीलियम का 3R/2, वो अंदर टिप होना चाहिए सीवी, हीलियम मतलब मोनो एटॉमिक तो वो कितना होगा 3R/2, टेम्परेचर अब देखो गड़बड़ क्या है, हाँ यहाँ पर कहीं पर भी डिग्री सेल्सियस में नहीं चलेगा, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होगा 300, तो ये पूरा क्या लिख दिया, ये पूरा क्या हो गया इंटरनल एनर्जी किसकी हो गई हीलियम की प्लस आगे इसकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है 2, सीवी कितना होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डायटोमिक तो 3, 5, 6 तो वो कितना हो जाएगा 5R/2, क्योंकि सीवी
क्योंकि सी भी लिख रहे हैं 5R/2 और टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन देख लो कितना है 5.7 तो इसको लिख दोगे कितना 4 देख लो तो डेटा कौन पास कर रहा देख लो ये कितना जा रहा है 150 और ये जाएगा ये कितना होगा 75 क्या बोलते बच्चों तो 7 हाँ ये कितना है 225 आर और इधर इधर देख लो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल क्या बोलते बच्चों और 400 × कितना 5 तो ये कितना आ गया 2000 आर आगे बोलो 2000 + 225 तो 2225 × आर आर की वैल्यू कितनी है कल बता दो डेटा यूनिट अपने यहाँ पर जोन में लेंगे तो रख दो फाइनल इंटरनल एनर्जी मिक्सचर की कितनी हो जाएगी 2225 × 8.3 एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी जूल देखो पढ़ाओ इसको सब लोग ऐसे बच्चों फटाफट सीवी मिक्सचर निकाल लो ऐसे फटाफट सीपी मिक्सचर निकाल लो ऐसे फटाफट देखो नाम लिखा मैंने एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट ऑफ मिक्सचर इसलिए मैंने नाम बोला तो एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट मतलब गामा तो पता चले आपको फॉर्मूला आता बट आपको ये नहीं पता कि एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट इसको कहते हैं लिख लेना एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट का मतलब होता है गामा फटाफट इसको लिख लो सभी लोग जल्दी से अब तीनों मिक्सचर फटाफट आप निकालो फिर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला भी लिखाता हूं काम आप करो जल्दी से सीवी ऑफ मिक्सचर निकालो अच्छा सीवी मिक्सचर का नाम देखे ना सीवी मिक्सचर मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी बट वो किसका मिक्सचर का फटाफट सब लोग निकालो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बट आप अपना निकालो बातें नहीं करना है फटाफट जल्दी निकाल लो तुरंत कितना 115 अगर 8 और 8 कंसीडर करके काट दिया आर के टर्म्स में लिखो सिंगल मिक्सचर तो 115 आर बाय 8 हां आप लोग अपना अपना करेंगे सब लोग बोर्ड पर लिखना नहीं है देखो बच्चों
सब लोग अपना अपना मिला लो, देखो क्या कर रहे हो। एक बार सब लोग ऊपर देख लो फटाफट, एक बार ऊपर देख लो क्या कर रहे हो, अच्छे से देखना, फिर एक क्वेश्चन में सीख जाना। देखो उधर हमने बोला हमको सीवी निकालना है मिक्सचर का, हमारे पास मिक्सचर में कौन कौन सी गैस है, हीलियम और नाइट्रोजन। देख लो बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है, N1CV1, तो अब N1 की जगह क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम सीवी हीलियम का, फिर क्या है N2CV2, तो 2 वाली गैस कौन सी, नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सीवी भी किसका आएगा, नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वैल्यू रखना है कुछ नहीं करना है, बाकी तो हम निकाल चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना है, 1/2, चूंकि इधर से देख लो, ध्यान से देखो उंगलियों को, मोनोटॉमिक है तो सीवी को लिख दिया 3R/2, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, डायटॉमिक तो कितना लिख दिया 5R/2 अपॉन कितना, नंबर ऑफ मोल्स 1/2 प्लस कितना 2, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो, 3R/4, इधर से देख लो 2 से 2 कट गया कितना 5R, नीचे कितना है 1/2 प्लस 2 कितना 5/2, इसके बाद देख लो ऊपर देख लो बेटा, इसके बाद अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 20+3 कितना आ जाएगा 23R/4 और नीचे कितना है 5/2, इसके बाद देख लो, देख लो ऊपर देख लो, 2 से 4 कट गया कितना बचा 2, ये 2 किधर जाएगा नीचे, तो 5 और 2 कितना बचेगा 10, तो ये क्या मिल गया हमको सी, बस सीवी में फोकस करो, एक बार आपको सीवी मिल जाए किसी का भी बच्चों, ऊपर देखो तो ये आपको सीवी मिल गया मिक्सचर का, तो बस अगर सीवी मिल गया मिक्सचर का तो सीवी कितना होगा मिक्सचर का, एक ही पॉइंट, किसी का भी सीवी मिल जाए, अगर मिक्सचर का सीवी मिल गया तो मिक्सचर का सीवी मिल गया समझ लो, तो सीवी मिक्सचर कितना होगा आपका, सीवी मिक्सचर प्लस आर, देख लो सीवी मिक्सचर आपके पास कितना था 23R/10 प्लस उसमें आर जोड़ दो, आगे देखो एलसीएम मल्टीप्लाई कर लो, देख लो भाई तो 23R प्लस 10R कितना हो जाएगा 33R/10, ये क्या मिल गया हमको सीपी किसका, मिक्सचर का, बस एक बार सीपी मिल गया सीवी मिल गया तो गामा मिक्सचर कितना मिल जाएगा, सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर, देख लो सब लोग, तो सीपी मिक्सचर को यहाँ रख दिया, सीपी मिक्सचर को यहाँ रख दिया, 10 से 10 कट गया, आर से आर कट गया, इसका नाम लिख देना, इसको क्या बोलेंगे एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट ऑफ मिक्सचर। देखो तीन चीज निकाली, चार चीज निकाली, अब एक और चीज बची उसको ध्यान से देखना, पहले इसको लिख लो सब लोग, थोड़ा ध्यान से देखना लास्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा उसको 2 स्टार मार्क करो, नॉर्मली आप देखो आपको टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालने वाले क्वेश्चन बहुत बहुत रेयरली मिलेंगे, इसलिए पहले इसको लिख लो फिर अच्छे से देखना। हाँ देखिए, अब सब लोग ऊपर देखो बच्चों, एक बार सब लोग ऊपर देखो फटाफट, एक बार ऊपर देखो सभी लोग, अब देखो हम लोगों को क्या क्या मिल गया, तो हम लोगों को हमने बोला इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर मिल गया, एक बार सब लोग उधर देखो, मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी मिल गया, और क्या मिला, मिक्सचर का सीवी, मिक्सचर का सीपी, मिक्सचर का गामा। अब लास्ट बहुत ध्यान से देखना, फिर कह रहा हूं 2 स्टार मार्क करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालने की बच्चों सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी उस पर विचार करें, जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास हीलियम गैस है, टेम्परेचर कितना है, दूसरी गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, टेम्परेचर कितना है, जैसे बाकी सब चैप्टर में भी निकाले इसके पहले कंडक्शन वाले चैप्टर में 2 पॉइंट पर अलग अलग टेम्परेचर था, तो हम टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकाले, कैलोरीमेट्री में निकाले इसको, इसमें मिलाया तो क्या निकाला हम लोगों ने, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकाला, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालना जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ज्यादा टेम्परेचर पे और हीलियम गैस क्या है कम टेम्परेचर, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट को बच्चों, देखना आपने क्या बोला इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर कितनी आई, आर के टर्म्स में कितनी आई, कितनी है देखो पटाखे, शायद 2300 आई थी पटाखे, देखो पहले पेज पे कैसे निकाली थी वो भी देख लो, तो मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी निकालना मतलब क्या, इंडिविजुअल किसकी निकाली, हीलियम की प्लस इंडिविजुअल किसकी, नाइट्रोजन की, तो देखो क्या आई थी, नहीं आई थी 2225R, बंद रखना 2225R, इसको देखो ध्यान से, कॉपी पेज छोड़ देना, ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये सुनो, तो जब इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर मिल जाती है तो वहीं से टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मिल सकता है, कैसे वो देखते हैं, हमने बोला जब मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी निकालनी है
तो हीलियम की निकाल ली प्लस नाइट्रोजन की निकाल ली जोड़ के यही। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अगर किसी टेम्परेचर पे लिखेंगे तो कितना है एनसीवीटी, और दो टेम्परेचर के बीच लिखेंगे तो सीवी डेल्टा टी। तो बच्चों आप सोचो कि मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, जैसे सुनो जैसे हीलियम की लिखी थी तो आपने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, सीवी किसका हीलियम का, टेम्परेचर भी किसका हीलियम का, ऐसे लिखी। फिर नाइट्रोजन की लिखनी तो आपने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सीवी भी किसका नाइट्रोजन का, टेम्परेचर भी किसका नाइट्रोजन का। तो आप सोचो तो फिर मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी कैसे लिखना चाहिए, क्या बोलते हो, नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे मिक्सचर के, क्या बोलते हो बच्चों, सीवी भी किसका आएगा मिक्सचर का, और टेम्परेचर भी किसका आएगा मिक्सचर का। देख लो मतलब एक गैस का लिखते हैं तो एनसीवीटी, दूसरे का लिखेंगे तो N2CVT2, बट जब मिक्सचर का लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इनटू सीवी ऑफ मिक्सचर इनटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, और इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 2 वैल्यू अच्छी नहीं, 2 2 2 5 R। बस बाकी डेटा आपके सामने, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर कितने होंगे, 1/2 प्लस कितना 2, सीवी मिक्सचर कितना है प्लस देखो 23 R/10, निकालना क्या हमको टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दैट इज 2 2 2 5 R। आगे बोलो इसको लिखो डायरेक्ट क्या, 1/2 + 2, ये कितना आ जाएगा बच्चों डायरेक्ट 5/2। बोलो आगे आगे क्या बोलते हो, R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, और 5 से 10 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 2, और देखो तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा बच्चों 2 2 2 5 और मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ यहाँ कितना है 5/2 है, तो 2 2 4, ये 4 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर इनटू 4, और ये 23 से क्या हो जाएगा, बट देखो कितना आ रहा है ये 8,900 / 23 सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 386 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में करोगे तो 273 - 2 करो। हां मैंने एनसीवी सीवी लिया और डेल्टा टी यानी टी लिया, टी माइनस 300 इज इक्वल टू एनसीवी, और 400 माइनस टी करके इक्वेशन बना के सॉल्व किया, सीवी एन एन लिया एनसीवी लिया टी माइनस 300 समझ गया ठीक है, तुमने कैलोरीमेट लगा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है इसको सॉल्व करो 386 केल्विन, और 386 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करो कितना आ रहा है, कितना, अच्छा देखो दोनों के बीच में आ रहा है इसके और इसके बीच में कितना आ रहा है, तो और 113 डिग्री सेल्सियस। इसको देख लो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिख लो चारों पॉइंट को बच्चों, लिखते लिखते एक बार ध्यान से देख लो, जब मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो जितनी भी गैस हो उसकी डायरेक्ट निकाल के ऐड कर देना, सीवी मिक्सचर का पूछेगा तो फॉर्मूला है, सीवी मिल जाएगा तो सीपी मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा तो गामा मिल जाएगा, अगर ये सब मिल जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इंटू सीवी मिक्सचर इंटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर लिख सकते, ठीक है चलो पढ़ाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है भाई सभी लिख लिया, चलो इसके बाद लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, ऐसा लिखना द स्पीड ऑफ द 5
मॉलिक्यूल्स द स्पीड ऑफ द फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टन गैस द स्पीड ऑफ द फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टन गैस द स्पीड ऑफ द फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टन गैस is given by the speed of the five molecules of a certain gas is given by 1, 2, 2, 3, 4 meter per second 1, 2, 2, 3, 4 ये पांच स्पीड है मीटर पर सेकेंड लिखिए समझे then find फटाफट लिखो बच्चों then find the RMS speed find the RMS speed the average speed and the most probable speed of a gas molecules find the RMS speed the average speed and the most probable speed of a gas molecules ठीक है फटाफट कर वाली कॉपी देख लो अब मोस्ट प्रोबेबल कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से आप लोग देखना देख ली कॉपी कर वाली हाँ सब बच्चों एक बार आरएमएस वेलोसिटी के बारे में देख लो वहां मैंने क्या बताया था आरएमएस स्पीड निकालने के दो तरीके थे देखिए ना कल वाली कॉपी देखी सभी लोगों ने जो पढ़े थे दो तरीके क्या थे पहला वाला तरीका कब यूज करते हैं पहला वाला देखो इंडिविजुअल अब ना गैस के बारे में दिया है ना आर दिया है ना टेम्परेचर दिया है ना मॉलिक्यूलर मास दिया है जैसे वो याद रहना चाहिए वहां अब जैसे इस पे से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे कभी किसी एग्जाम में नहीं मिला अच्छा अगर पी वाई क्यू की बात करोगे तो अंडर रूट 3 RT/m से बट जैसे ये पूछ लिया अब इसमें पूछ लिया व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल रेशियो ऑफ आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल तो ज्यादातर लोग आरएमएस के बारे में वही जानते हैं RMS is equal to under root 3 T/m उसमें तो कुछ नहीं है बट ये भी जानो कि अगर इंडिविजुअल दी मतलब हजारों गैस के मॉलिक्यूल्स में से कुछ किसकी दे दी पांच मॉलिक्यूल्स की उसमें हम लोगों ने क्या बात करी थी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा रैंडम है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबकी स्पीड डिफरेंट होगी इसीलिए किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड लिखना एक टफ टास्क है तो उन्होंने कोशिश करके कोई पांच मॉलिक्यूल्स की दे दी अब बच्चों देखो अगर मैं यहां से पूछूं विच इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ दिस फाइव मॉलिक्यूल्स तो मतलब क्या है ना आपका मोस्ट प्रोबेबल मतलब जैसा कि नाम है मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या है जिसकी होने की संभावना है क्या है सबसे ज्यादा तो इन पांचों में सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ वो देखिए तो एक गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड 1 है दो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड 2 है एक गैस के मॉलिक्यूल्स 3 है एक की क्या है 4 है तो मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा किसकी होने की है 2 होने की तो बस बिना कोई दिमाग लगे लिख दो डायरेक्ट कि 2 मीटर पर सेकंड इज द मोस्ट प्रोबेबल एवरेज कैसे निकालते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं जितने भी है सबको जोड़ के कर दो तो कितना आएगा 1 + 2 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय कितने आपके 5 इसको सॉल्व करो और आरएमएस कैसे लिखी थी लिख लो फटाफट सबका स्क्वायर तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर / 5 निकालो फटाफट एक बार चेक करके बताओ एग्जैक्ट कैलकुलेटर यूज कर लो भाई बट एग्जैक्ट डेसिमल में बताओ तो आरएमएस कितनी आ रही है एवरेज कितनी आ रही है मोस्ट प्रोबेबल कितनी आ रही है इन सबका एवरेज 2.4 आ रहा है ठीक है और ये कितना आ रहा है कितना 2.6 1.9 पक्का 16 + 5 = 25 + 29 = 33 + 1 = 34/5 34/5
34 बाय 5 मतलब कितना 6.8 का अंडर रूट 2.6 आ रहा है। अच्छे से करो बच्चों 1 + 4 + 4 + 9 + 16 / 5 कितना आ रहा है 2.6 मीटर पर सेकंड। देख लो कल वाली बात सच हो रही है क्या? सबसे ज्यादा कौन सी देखो जरा सबसे ज्यादा कौन सी है आरएमएस है उसके बाद कौन सी है एवरेज है उसके बाद कौन सी है मोस्ट प्रोबेबल। देख लो तो जो हम लोगों ने कल बोला था वो वाली बात अपने सामने फटाफट देखो सब लोग टाइप बाय टाइप जा रहे हैं देख लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखना हाँ सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। तो टाइप बाय टाइप याद रखना कि जैसे ही इंडिविजुअल स्पीड देखते हो आपको ये तीनों क्वेश्चन याद रहना चाहिए जैसे ही मिक्सचर देखते हो आपको पांचों क्वेश्चन याद रहना चाहिए ऐसे टाइप बाय टाइप। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग फटाफट नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बच्चों लिखना। हाँ ऐसा लिखना एंड सर्टन गैस has a RMS velocity of a certain gas has a RMS velocity of has a RMS velocity of 400 meter per second 400 meter per second at a temperature T1 at a temperature T1 and pressure 2 atm and pressure 2 atm ठीक है हाँ full stop। If the temperature of a gas is increased to T2 and the pressure is reduced to 1 atm then the RMS velocity becomes 600 meter per second then find the ratio of their temperatures 600 meter per second then find the ratio of their temperatures find the ratio of their temperatures ठीक है। चलो इसी में एक और क्वेश्चन लिखो इसी में मतलब एक और क्वेश्चन अलग से लिख लो लग गाड़ी लगती सही भाई कोई से भी हो क्यों अरे तो बहन है तो 500 रुपए का चालान भरो दिक्कत क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन लिखना फाइंड द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at 27 and 127 degree Celsius respectively at 27 and
127 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए तो ये वाले पॉइंट पे बेस्ड आप लोग नीट पे क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली नीट पे ही थोड़ी वैल्यू मैंने चेंज कर दी, एक बार उसको देख लो। अगले टाइप का क्वेश्चन आप लोग को ये मिलेगा, फटाफट पढ़ो जल्दी सभी लोग। फटाफट पढ़ लो कौन सा क्वेश्चन है। देखो रेशियो वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, एक दो दो क्वेश्चन अच्छे से देख लो, तो बाकी जो रेशियो वाले फिर आप लोग करना। फटाफट देखो एक बार सब लोग जैसे कंफ्यूज करने के लिए वो क्या पॉइंट देते हैं। बड़ा क्वेश्चन है आपने, सब लोग एक पहले वाले क्वेश्चन को पूरा पढ़ के देखो कि कितनी गैस है, एक ही गैस है कि दो गैस है, पहले पढ़ लो। अच्छा एक ही गैस है ना, उसी गैस का पहले टेम्परेचर कितना था। अच्छा गैस का टाइप दिया है क्या, टाइप मतलब नाम वाम तो कुछ नहीं बोला उसने, बोला सर्टन गैस। देखो रेशियो में ऐसा जरूर लिखो, तो T1 टेम्परेचर पे बच्चों उसकी RMS वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकंड, और उस केस में प्रेशर कितना है 2 atm। बाद में बच्चों सुनो, सेम गैस क्यों बोल रहा हूं बार बार, तो उसी गैस के टेम्परेचर को T1 से बढ़ा के कितना कर दिया T2, तो RMS वेलोसिटी 400 से बढ़ के कितनी हो गई 600, बट उसके प्रेशर को कम कर दिया कितना 180, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है T1/T2 की। एक बार ऊपर देखना, जैसे RMS निकालने के कितने तरीके हो गए, और देखो कौन से टाइप का है वो टाइप पकड़ना। एक बार बच्चों ऊपर देख लो सब लोग, एक बार ऊपर देख लो, जैसे चार फॉर्मूले हो गए हो, तो तीन अपने पास ये है इसके पहले देख लिया, तो आपको वहां पर टाइप देखना है। इंडिविजुअल स्पीड अगर आप लोगों को दी हुई तो उन परिस्थितियों में बच्चों को लगाना है, अगर इंडिविजुअल नहीं दिया है गैस का टेम्परेचर प्रेशर दिया है तो फिर आप लोगों को हमारे तीन फॉर्मूले लगाना है। तो एक बार ध्यान से देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, पहले तीनों फॉर्मूले डालो। पहला फॉर्मूला क्या है, 3 याद कर लो, तो 3P/ρ, P क्या था, पहला फॉर्मूला प्रेशर के टर्म्स में, दूसरा ये m कौन सा मास है मॉलिक्यूलर, और तीसरा वाला। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये हर बुक का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। रीजन ये है, ये पॉइंट वैसे मैं कल बता चुका था और उसको फिर भी देखो, अगर वो पॉइंट आपको नहीं बताए तो अच्छे अच्छे लोग इसमें गलती कर देंगे। प्रॉब्लम क्या, वो बोलेंगे RMS वेलोसिटी दी है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर पूछा है, तो आदमी सोचेगा कौन सा फॉर्मूला लगाए प्रेशर के टर्म्स में, तो पहला वाला फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर के टर्म्स में दूसरा वाला फॉर्मूला होता है, तो गलती कर सकते हैं कि वो पहले वाले फॉर्मूले को उठा लेंगे। इसलिए वो पॉइंट मैंने कल बता दिया था, तो उसको और याद रखो, उसको न्यूमेरिकल में ऐसे यूज करते हैं। पॉइंट क्या देखो जरा, दिखता है लिखता है क्या है, तो देखने से क्या लगता है कि RMS वेलोसिटी प्रेशर पर डिपेंडेंट है, बट वो प्रेशर पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उस प्रेशर को आप भले ही बढ़ा दो कम कर दो, तो जो ये बेटा बात मत करो, जो ये वाला डेटा है वो डेटा कैसा हमारा फालतू है, मतलब इस फॉर्मूले को बच्चों यूज नहीं करेंगे, इसको यहाँ यूज नहीं करेंगे, तो इसको यूज कर लो, ये या इसको यूज कर लो, दोनों में से एक ही बात है। तो अगर इसको हम लोग उठाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3RT/MW। एक मिनट गोला लगाओ, क्या क्या सेम है, एक मिनट गोला लगाओ, 3 तो सेम है, ये भी सेम है, ये बताओ क्यों सेम है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लाइन से मिले, अगर सेम गैस है तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, नहीं तो फिर वो दो गैस के बीच में पूछ लेगा, तो डिफरेंट गैस होती तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता। इसपे से भाई बुक खोलोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसपे से मिलेंगे, ये बोल लो कि RMS वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, और वहां पर टेम्परेचर किस में लेना है केल्विन में। बस बच्चों तुम्हारा रेशियो क्या लिख दोगे, V1/V2 √T1/T2, लगो फटाफट करो, V1 पता है V2 पता है, T1/T2 का रेशियो निकाल दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करो जल्दी, कितना 2/3 दिवे 4/9 स्वर आएगा ना, हाँ V1 कितना दिया भाई 400, V2 कितना दिया है 600, अंडर रूट T1/T2 अन्ना 0 से 0 गया, इधर क्या आएगा 2/3, बट ये रूट T1/T2 की वैल्यू है, तो T1/T2 की वैल्यू कितनी आएगी 4/9, यही तो खेल है रेशियो में भाई, नजर हटी दुर्घटना घटी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी,
फिर इसका अगला टाइप लो आदमी ने अपना अलग बच्चे अपना अलग ही कैलकुलेशन कर लेते हैं 310 तो आ जाएंगे बायोलॉजी में 140 केमिस्ट्री में जाएंगे और 50 तो आ जाते हैं अंडर रूट 11 बाय 2 इसका हां इसका नहीं अगले वाले का अगले वाले हां फटाफट बच्चों अंडर रूट 11 बाय 32 आएगा अंडर रूट 3 बाय अगले वाले में कौन सी गैस है कौन सी गैस है ऑक्सीजन कितने टेम्परेचर पे रिस्पेक्टिवली बोला ऑक्सीजन किसपे ऑक्सीजन है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस पे और क्या बोला कार्बन डाइऑक्साइड कितने पे 127 डिग्री से अच्छा गैस डिफरेंट है मतलब मॉलिक्यूलर मास पे डिफरेंट हो जाएगा अच्छा फॉर्मूला कौन सा उठाओ वो समझ लेना आरएमएस वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं होती टेम्परेचर पे डिपेंड होती है और चूंकि गैस डिफरेंट है तो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो तो बस लिख दो अंडर रूट 3 आरटी बाय फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अपॉन एमडब्ल्यू गोला लगा लो ये सेम है तो वी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी अपॉन एमडब्ल्यू रेशियो लिखने में कोई गलती नहीं करेगा भाई आराम से लिखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है मॉलिक्यूलर वेट तो क्या बोलते हो बच्चों वी वन बाय वी टू कितना हो जाएगा अंडर रूट नहीं वी वन नहीं किस किस का ऑक्सीजन अपॉन CO2 तो प्रोपोर्शनल है मतलब क्या क्यों बच्चों प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि ऑक्सीजन अपॉन CO2 लिखो तो टेम्परेचर भी किसका आएगा ऑक्सीजन का और नीचे किसका CO2 बट इनवर्सली मतलब पहले CO2 का ऑक्सीजन उल्टा तो ऑक्सीजन अपॉन CO2 है तो पहले मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा CO2 का फिर किसका आएगा ऑक्सीजन का बोलो बड़ा तो VO2 अपॉन VCO2 बराबर टेम्परेचर कितना ऑक्सीजन का 300 बाय कितना 400 इधर बोलो ये 44 अपॉन 32 CO2 का मास कितना है 44 44 अपॉन कितना 32 क्या बोलते हो बच्चों 0 से 0 गया 0 से 0 गया ये कितना कट रहा है ये 33 बाय 32 आएगा 11 हां भाई ये कितना आ रहा है 8 तो ऑक्सीजन का वेलोसिटी अपॉन किसकी CO2 की बराबर कितनी आ रही है अंडर रूट 33 अपॉन 32 यही आ रहा है क्या हां चलो तो ये देख लो तो इंडिविजुअल वेलोसिटी दी तो तीनों निकाल सकते हैं उसके क्वेश्चन करा दिए मिक्सचर दिया उसके करा दिया अगर दो गैसेस दी है तो ऐसा निकाल सकते हैं अगर एक ही गैस को कम ज्यादा कर रहे हो तो निकाल सकते हैं अब इसमें अगले टाइप के क्वेश्चन आते लिखो ग्राफ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बच्चों आते हैं ग्राफ फटाफट देखना सब लोग हाँ PYQ में जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कॉमन केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन ये वाले रहते हैं ग्राफ्स कौन कौन से देखो बच्चों देखना ग्राफ बेस्ड ऑन PV इज इक्वल टू NRT ग्राफ बेस्ड ऑन PV इज इक्वल टू NRT अच्छा PV इज इक्वल टू NRT के कल फॉर्म कौन कौन से बताए थे एक तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में N to RT डेंसिटी और मॉलिक्यूलर के मास के टर्म्स में DRT upon MW और डेंसिटी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में ये बताया ना ये था ना देख लो PV is equal to RT मास को क्या लिख दिया था नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मोलर मास वो में था मास को क्या लिख दिया था मास ऑफ गैस को है गिवन मास ऑफ गैस का लिखा था ईच मॉलिक्यूल का मास इनटू कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसको
इस मॉलिक्यूल का मास एंडो कितना डिवाइड करा देगा। हाँ तो ये देख लो, ये वाला बच्चों किसके टर्म्स में, प्रेशर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में। ये वाला प्रेशर डेंसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये इन दोनों मास में क्या फर्क था, ये मॉलिक्यूलर था और ये किसका था, इस मॉलिक्यूलर। आप देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और मुझे लगता है शायद ये स्टेट्स ऑफ मैटर और इसमें कॉमन पार्ट है, तो आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में इसी को नाम दे देते हैं बॉयज का और चार्ल्स का। अभी आगे फिर से थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे तो आपका एक बार और रिविजन भी हो जाएगा, और अगर याद नहीं हो तो यहाँ देख लो। तो सबसे पहला ग्राफ आता ही है, वैसे मैं एक बार आगे प्रोसेस करके भी लिखाऊंगा बट मुझे लगता है यहीं पे ग्राफ कवर कर लेते हैं क्योंकि केटीजी में दिए होते हैं ग्राफ। देखो एक बार ऊपर देख लो सब लोग, ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे। देखो क्योंकि हमने बोला सारी कहानी बनेगी पीपीसी पढ़ लो एनआरटी से, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का वो ग्राफ बोले, हालांकि प्रोसेस जैसे आइसोथर्मल बोला, तो जब इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स तो वहां पे फिर से हमको बात करनी, वहां पर वर्क हीट इंटरनल एनर्जी साइन कन्वेंशन वो सब हम देखेंगे ही सही। बट आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कैसा है कॉन्स्टेंट, अगर यहाँ टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर देंगे तो पीवी इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो पीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। क्या बोलते हो जानते हो बचपन से, क्या कौन सा लॉ बोलते हो, शायद बॉयज लॉ बोलते हो, ठीक है चलो। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब प्रेशर और वॉल्यूम पे ग्राफ कैसा बनेगा, क्या बोलते हो बच्चों जानते हो ना, किसी का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब हाइपरबोला ग्राफ है। तो अगर बच्चों पीवी ग्राफ ऐसा मिला मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको याद रखना चाहिए। अगर याद नहीं समझो, अगर पीवी ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला हाइपरबोला, फोटो देंगे बुक में पूछा हुआ क्वेश्चन कि वो पीवी ग्राफ दे देंगे हाइपरबोला दे देंगे, तो बच्चों आपको वहां पर ये याद रखना चाहिए कि हाइपरबोला है मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, और मेन बात P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इस पे से जो क्वेश्चन पूछा होगा कैसा रहेगा, एक बार ऊपर देखो फिर बाद में लिखना। देखो बच्चों बड़ा फेमस क्वेश्चन है, दोनों जगह मिलेगा आपको, तो यहाँ कर लोगे या वहां कर लोगे एक ही बात है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछेंगे ऐसा नहीं, पूछे हुए दो दो तीन तीन ग्राफ आप लोग PYQ में जाके देखो। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, कुछ नहीं बोलेंगे, बस ऐसा बोल देंगे फॉर द सर्टन गैस द प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ इज गिवन बाय, थोड़ा सही बना देता हूं मैं, शायद थोड़ा हाइपरबोला नहीं दिख रहा आपको। देखो बच्चों ऐसा दे दिया और वो ऑप्शन में बोल देंगे T1 ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1, T1 इज इक्वल टू T2 और नन ऑफ दिस जो भी बोल देंगे। देखो मतलब ये दोनों ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस के हैं, ये ग्राफ बता रहा है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है किस टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट है T1 पे, और ये ग्राफ बता रहा है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है किस पे कॉन्स्टेंट है T2 पे। तो बस अपने को बताना है T1 T2 में कौन बड़ा है, तो बेसिक सा तरीका है। अगर मैं कलर चेंज करूं स्लोप से भी देखूंगा, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने, पहला एक सिंपल तरीका जो सामने दिखता है, फिर आगे कुछ ग्राफ में स्लोप से भी बनाऊंगा। पहले सिंपल तरीका देखो कैसा है, जैसे अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, देखना बच्चों अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो मुझे बताओ इस लाइन पर ब्लू वाली लाइन पे कुछ ना कुछ यहां वॉल्यूम होगा, तो यही वॉल्यूम इस हरी वाली गैस पे भी होगा, और यही वॉल्यूम किस पे होगा व्हाइट पे, प्रेशर किसका ज्यादा होगा ऊपर वाली का, देख रहे हैं कैसे कैसे, तो T2 के लिए जो प्रेशर होगा वो ये P2 होगा, और T1 के लिए जो प्रेशर होगा ये क्या होगा, देखो इसमें क्या सेम रखा, बस एक तरीका है। तो कोई भी एक अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान ले तो बच्चों PV इज इक्वल टू क्या होता है NRT, लगाओ बोला, तो एन तो कॉन्स्टेंट है, आर भी कैसा है कॉन्स्टेंट, दोनों गैस के लिए मैंने क्या सेम लिया वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है तो पी किसके प्रोपोर्शनल है टी के, चलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मतलब क्या, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा ज्यादा होगा, किसका प्रेशर ज्यादा है देख लो, तो P1 का चूंकि प्रेशर ज्यादा है P2 से तो T1 भी ग्रेटर होगा T2 से, देख लो कैसे करना है, क्या क्या याद रखना है,
सबसे पहले बच्चों याद रखना क्या एक बार बोला मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कब होता है जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मतलब आइसोथर्मल। ये बता रहा है कि इसका टेम्परेचर टी वन है, ये बता रहा है इसका टेम्परेचर टी टू। अब किसका ज्यादा है तो कोई से भी एक चीज को कॉन्स्टेंट मान लो, तो वॉल्यूम को अगर कॉन्स्टेंट मान लोगे तो प्रेशर मिल जाएगा। अच्छा इसी को उल्टा कैसे कर सकते हैं, मैं सो नहीं याद कर रहे हैं, उल्टा बताओ, उल्टा ऐसा कर सकते हैं ये टी वन है ये टी टू है, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट मान के करो तो कैसे करेंगे, यहां से एक लाइन खींच दो तो ये प्रेशर सेम होगा। इस प्रेशर में बच्चों देखो ये वॉल्यूम नीचे वाले का कितना आएगा बी टू और ये वाला वॉल्यूम कितना आएगा बी वन। अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट बट यहाँ किसको कॉन्स्टेंट माना था प्रेशर, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। दोनों सेंसर सेम आ गए, दोनों सेंसर देख लो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वी वन ग्रेटर देन वी टू, तो टी वन ग्रेटर देन टी टू। ठीक है चलो इसके बाद तो सर ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा ही रहेगा, आपने बोला पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इस पे से क्वेश्चन सुनना, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, देखो रटो नहीं तो ये ग्राफ कैसा आएगा, कैसे यह समझ लो। हाँ अभी देख लो, कोई रटेगा तो देख लो, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो पी वी ग्राफ में हाइपरबोला आया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था उसको बोल दिया आइसोथर्मल, फिर आप इसको बोलते हो आइसोबारिक, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में वैसे चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ है तो वी किसके प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में अगर ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि प्रेशर कैसा है कॉन्स्टेंट, इसको देख लो विचार कर लो। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है बच्चों तो ऐसा कब हो सकता है जब प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे तो वो आएगा स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि इस पूरी लाइन पर प्रेशर कैसा है कॉन्स्टेंट है। अब इस पे से क्वेश्चन कैसे बनेंगे पहचानो, अब जैसे उसने दो लाइन दे दी, एक दे दिया ये प्रेशर पी वन और एक दे दिया ये प्रेशर पी टू, सब पूछे हुए क्वेश्चन है नेट, आप देखो खोल के। अच्छा वहां कैसे पहचानोगे, अभी तो पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, अभी तो यहाँ पढ़ा रहा है, वहां कैसे पहचानोगे वॉल्यूम और किसके बीच ग्राफ है टेम्परेचर के पास, और ग्राफ कैसा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब किसी भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वहां याद आना चाहिए कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब हो सकता है जब प्रेशर कैसा हो कॉन्स्टेंट। तो अब ये दो लाइन मतलब बच्चों इस वाली लाइन पे प्रेशर पी वन है और इस वाली लाइन पे प्रेशर कितना है पी टू है, बस सेम मेथड फॉलो कर लो, जो वहां करी थी उसको यूनिवर्सल बना लो। कैसे, अब यहां पर एक काम करो इसको कॉन्स्टेंट कर दो, बोलो क्या बोलते हो भाई, यहां किसी एक को कॉन्स्टेंट कर दो, तो बताओ फटाफट, टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट कर दिया मैंने क्योंकि यहां था, तो इस वाले पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो कितना है V2, और इस वाले पे जो वॉल्यूम है V1, वन क्यों वन 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 वन, आगे बोलो V2 ज्यादा रहेगा, आगे बढ़ो। हाँ तो PV is equal to कितना NRT, किसको constant माना था temperature को, गोला लगा दो तो number of moles constant है, R constant है, ऊपर देखो बच्चों temperature भी क्या है constant है, हाँ तो P inversely proportional to क्या हो जाएगा V हो जाएगा। देखो temperature को constant मान के किसका volume ज्यादा, किसका ज्यादा दिख रहा है ज्यादा, ऊपर वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर बच्चों चूंकि V1 greater है किससे V2, तो अगर वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर क्या होगा कम होगा, मतलब जो P1 है वो लेस देन P2 हो रहा है। देखो जरा देख लो अच्छे से एक बार इसको, चूंकि शुरू से आप लोग सुनते हो तो मुझे लगता है कोई बहुत एकदम से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, आइसोबारिक है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है इसीलिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो ये पहचानना
कि वॉल्यूम टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन मतलब आइसोबारिक प्रोसेस तरीका वही है किसी भी चीज को कांस्टेंट मान लो ग्राफ में तो टेम्परेचर को कांस्टेंट माना तो वॉल्यूम क्या होंगे डिफरेंट पी इज इक्वल टू आर सब सेम टू सेम देखो अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन आप बना दो सुनो बच्चों ये क्वेश्चन बना दो ये कौन सी प्रोसेस है ये उठा लो अब इसको बना लो हाँ अब यहाँ क्या आ रहा है कौन सा ग्राफ है क्यों भाई यहाँ कौन सा ग्राफ है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच है और बच्चों ये ग्राफ कैसा है हमारा स्ट्रेट लाइन है तो बोलो अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है पी प्रोपोर्शनल टू टी पी प्रोपोर्शनल टू टी कब हो सकता है पीवी इज इक्वल टू आरटी ना भाई तो पी प्रोपोर्शनल टू टी कब हो सकता है जब क्या कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो प्रेशर और टेम्परेचर में स्ट्रेट लाइन क्या बताता है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब आइसोकोरल बताओ कौन सा वॉल्यूम बड़ा है सेम टू सेम करो फटाफट सेम टू सेम है किसी आप करो जल्दी करो फिर एक और ग्राफ इसमें लास्ट वो देखना एक बार खुद से मन से क्वेश्चन बना के देख लो अगर ये कर लोगे तो मानना कि फिर वो बाकी दोनों को आ ही जाएंगे मतलब इसके पहले वाले भी आ जाएंगे ये तीनों प्रोसेस के ग्राफ आपको पी वाई क्यू में मिलेंगे फिर इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूँ वो भी देखना पहले इसको बनाओ फटाफट कॉमन टेम्परेचर पे इसका प्रेशर P2 है इसका प्रेशर P1 है NR तो कांस्टेंट है चूंकि कॉमन टेम्परेचर पे है P इनवर्स के प्रोपोर्शनल टू V सेम टू सेम तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा देख लो प्रेशर ज्यादा किसका इधर से P1 का तो लिख देना P2 greater than P2 तो V1 less than देख लो अपना नहीं है देख लो आया कि नहीं आया भाई वैसे आपको मैंने खड़ो ले कहा देता इसको लगा सर को कहा ध्यान देता क्यों भाई ये मेरी मेमोरी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है आप मुझे 10 साल पहले की घटना पूछोगे ना विजुअल मेमोरीज के बच्चे को मैंने पढ़ाया था कहाँ पढ़ाया था वो क्या बैठा था उसने क्या डाउट पूछा था वो उस रूम में था सब मुझे धीरे धीरे याद आने लग जाएगा ये वाली घटना है विजुअल मेमोरीज के मैंने उस पर फोकस किया मुझे लगा पतंग उड़ाती क्यों यहाँ पे उड़ाना था क्या पतंग पतंग के साथ तुमको भी उड़ा दूं तो पतंग की बात कर रहे हो पतंग तो बहुत उड़ाई बचपन में हमने दुकान भी लगा देते अरे यार मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ आजकल पतंग पतंग का वैसे क्रेज बहुत कम हो गया पहले बहुत था पर असली मजा तो मैं दो तीन साल गया था सूरत बड़ौदा गुजरात सच में फेस्टिवल है वहां पे यार मतलब मैं तो सोचता था पतंग पतंग में क्या ही मजा आता होगा भाई सात दिन चलता है मतलब शाम को जब छह बजती है गुजरात में अहमदाबाद में सूरत में तो अपनी दिवाली वाली क्या फेस्टिवल बच्चे साले सब इतने पटाखे फूटते इतनी वहां पर वो होती कि आपको दिवाली भी की लग जाएगी
अरे इतने शाम को, जैसे शाम होती पूरा आसमान भर जाता है फायर क्रैकर्स से और वो पैराशूट से। अगर आप सही पीक जगह पे चले जाओ अहमदाबाद सूरत, तो आप सोच भी नहीं सकते इतनी पतंगे। इमेजिनेशन के बाद आपको दिखेगा ही नहीं, हम देवड़ा तो दिखते नहीं कौन किसकी पतंग काट रहा है, बस खींचे जा रहे ऐसे खींचे जा रहे, जैसे धागा ढीला हो गया तो पता चले कट गई पतंग। और पतंग ही पतंग, आप छत पे डीजे पीजे, एक छत पे 50-50 लोग हैं, कोई भी कहीं भी उड़ा रहा है, किसी की काट रहा है, हर एक के हाथ में पतंग आनी है। लूटते हैं इतनी पतंग, लोग बोर हो जाते हैं। 300-300 रुपए की पतंग, 500-500 रुपए की पतंग, इतनी बड़ी बड़ी मतलब 10-10 फीट लंबी पतंग। अरे हाँ, उसको 5-5, 6-6, 6 जैसे आगे पास कर देते वो ऐसे कि ये देना ये देना ये देना, वो इतनी भारी रहती थी कि हाथ कट जाते थे। उसके लिए वो आते थे फिर वो उंगलियों पे पहनने वाले, वो पहन पहन के लोग उड़ाते थे, मतलब बहुत शौक है पहनकर अपने को। पर इधर नहीं उड़ती हमारे इधर एमपी एमपी में ठीक ठाक होती है, उड़ती तो नहीं बट हाँ अच्छी उड़ती है। इसके बाद एक ग्राफ और देख लो, ये देखो एक ग्राफ ये आएगा, सुनो क्वेश्चन लिखो, द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, लिखो द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, यहां से देखना द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी फॉर टू गैस ए एंड बी, फॉर टू गैस ए एंड बी, फॉर टू गैस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर इज गिवन, टू गैस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर इज गिवन। देन विच गैस इज हैवियर, which gas is heavier? अच्छा नवरात्रि का भी बहुत क्रेज रहता है हमारे इधर, है इधर तो वो बात नहीं करते अभी नवरात्रि में, यही था मैं पहले सूरत बहुत ज्यादा था, तो नवरात्रि में रात में आप 1-2 बजे रोड पर घूमोगे ना इधर सूरत गुजरात। आप सूरत में क्या करते? मेरे दोस्त थे तो आप 1 बजे रात में चल कर रोड पे घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या रात है, लड़कियां ही लड़कियां घूमती पूरी। अच्छा मुझे शौक था कि बिल्कुल सेफ, जैसे महाराष्ट्र है एमपी थोड़ा ये क्रिमिनल वाले स्टेट, आप रात में 10:30-11 बजे देखोगे लड़कियां हार्डली रोड पे, एक दो मैं तो 11-1 बजे शौक हो गया, 12-1 बजे इतनी लड़कियां एक्टिवा ही एक्टिवा पे, लड़की लड़के वो घूम रहे हो बिल्कुल बिंदास, कोई उनको वो नहीं कि कोई पकड़ पकड़ ले और कोई मतलब केस वेस कर रहा है। क्या बोल रहे हो? उनकी ब्रश से वाइप थी, इनको एक ही चीज चाहिए। देखो जब आप ग्राफ ये बन गया, अब जैसे ये थोड़ा अनकॉमन ग्राफ हो गया, बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ ये तो आपने नाम दे दिए, अब जैसे ये ग्राफ आ गया, अब इन परिस्थितियों में कैसे करा? देखो वही क्वेश्चन है, आप बच्चों सोचो प्रेशर और डेंसिटी के बीच ग्राफ हो गया, जैसे अभी तो कन्वर्ट करे थे पीवीसी इक्वल टू एनआरटी से, तो आइसोबारिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल आपने बोल दिया, बट प्रेशर और डेंसिटी के फॉर्म में इक्वेशन क्या है? कोई भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? y by x, ये तो जानते हो ना, अब बताते हैं।
ये मेरे को बताया क्या? बहुत सही चला भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ बताया था, वी आई ग्राफ, आई वी ग्राफ, ऐसी बहुत सारी जगह स्लोप आया, नहीं आया अगर याद तो फिर सुन लो, कोई भी ग्राफ का स्लोप होता है वाई बाय एक्स। इसको देखो, तो जैसे बच्चों मैं आपको बोलूं इस वाले ग्राफ का अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है तो आप क्या देखोगे, y एक्सिस पे क्या लिखा है प्रेशर, और x एक्सिस पे क्या लिखा है डेंसिटी। मतलब बच्चों इस वाले ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर देखो अपॉन ये कंफ्यूजन तो नहीं डेंसिटी, जैसे ही मैं देखता हूँ प्रेशर और डेंसिटी, अच्छा d लिख दूं क्या इसको, ये देखेंगे तो एक जैसे, क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ पे d लिखा है। बस लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लो, मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अब बताओ प्रेशर अपॉन डेंसिटी किसके बराबर होगा, यहाँ से अभी कैसे याद रहे, चलो याद रहे सिर्फ प्रेशर और डेंसिटी में ये रिलेशन है, तो यहाँ से बच्चों प्रेशर अपॉन डेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बोलो आरटी अपॉन एमडब्ल्यू, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, स्लोप के बराबर। तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आरटी अपॉन एमडब्ल्यू। देखो बच्चों आर भी कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो स्लोप जो है वो कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जिसका मॉलिक्यूलर मास, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। किस ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा है, ए का। स्लोप समझते हो ढलान, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, चूंकि ए का स्लोप ज्यादा है बच्चों बी से, तो ए का मॉलिक्यूलर मास कम होगा और बी का मॉलिक्यूलर मास मतलब बी वाली गैस क्या होगी, ज्यादा देखो। तो एक बार कॉपी पलटा के देख लो, मतलब ये चार ग्राफ मिलेंगे आपको, देख लो आइसोथर्मल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, आइसोबारिक वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, आइसोकोरिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और चौथा इसका कोई नाम नहीं, प्रेशर और डेंसिटी के बीच ग्राफ ऐसा बनता है। बोलो भैया जैसे हर बार अपन पीवी से रिलेट कर रहे थे, हाँ। तो इस बार बी की जगह डेंसिटी पुट करके अगर अपन निकाले तो वहीं से तो बनाया था अपन, हाँ ये डायरेक्टली कल तुम गायब थे ना एक्चुअली, हाँ कल वैसे ही बनाया था, क्यों बेटा ऐसे बनाया था, पी इज इक्वल टू डी आर टी बाय पी वी इज इक्वल टू एनआर टी, एक को क्या लिख दिया था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख दिया, ठीक है चलो ये हमारा आज का काम था, इसको अब इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन और हैं।